सो गाइस आईपीएल 2021 का मैच नंबर 27 मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला जाना है। और गाइस ये जो मैच होने वाला है वो दिल्ली में खेला जाना है। और गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं दोनों टीमों के कंफर्म प्लेइंग 11 के बारे में जो कि इस मुकाबले में उतरती हुई नजर आने वाली है। और साथ में बताने वाला हूं कि कौन सी 11 खिलाड़ी मुंबई लेके उतरने वाली है, कौन सी 11 खिलाड़ी चेन्नई लेके उतरने वाली है, कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं इस बड़े हैवीवेट बैटल ग्राउंड में, आखिर वो कौन कौन से खिलाड़ी रहने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा शानदार अपना प्रदर्शन दिखाने वाले हैं। सो गाइस काफी ज्यादा डिटेल वीडियो है, ये वीडियो अभी प्ले के पूरा एंटायर एंड तक देखिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल का सब्सक्राइब का बटन होगा उसे फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 की। एक बार देख लेते हैं कि आखिर मुंबई इंडियंस को कौन से 11 खिलाड़ी हैं जिन्हें लेके उतरती हुई नजर आने वाली है। सो गाइस इनके तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं क्विंटन डिकॉक के साथ रोहित शर्मा, ये दो खिलाड़ी रहने वाले हैं जो कि ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। पिछले मुकाबले में डिकॉक का भी फॉर्म आ चुका है और रोहित शर्मा बेटर फॉर्म में चल ही रहे हैं, तो इस तरीके से ये दोनों खिलाड़ी यहाँ पे ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद बात करूं मेजर ऑर्डर की तो मेजर ऑर्डर में आते हुए नजर आने वाले हैं सूर्य कुमार यादव, कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, कायरन पोलार्ड, अनुकूल रॉय या फिर जयंत यादव में से कोई एक खिलाड़ी, ये खिलाड़ी रहने वाले हैं जो कि मुंबई इंडियंस के मेजर ऑर्डर में आते हुए नजर आने वाले हैं। यहाँ पे पूरी तरीके से सेम टू सेम सिचुएशन रहने वाला है। यहाँ पे ये हो सकता है कि अनुकूल रॉय को यहाँ पे मौका मिल सकता है जयंत यादव की जगह पे। यहाँ पे हो सकता है कि एक अच्छे बैट्समैन के तौर पे यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के तौर पे यहाँ पे अनुकूल रॉय को अपनी टीम में शामिल करते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद बात कर लेता हूँ चार प्रॉपर गेंदबाजों की जो कि मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 में उतरते हुए नजर आने वाले हैं। सो गाइस वो आने वाले हैं कुलकर नाइट, ट्रेंट बोल्ट, राहुल चहर और जसप्रीत बुमराह, ये खिलाड़ी रहने वाले हैं जो कि मुंबई इंडियंस के चार प्रॉपर गेंदबाज बन के उतरने वाले हैं। और गाइस कुछ इस प्रकार से रहने वाली है मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 जो कि इस मुकाबले में उतरती हुई नजर आने वाली है। सो गाइस फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग के प्लेइंग 11 की। एक बार देख लेते हैं कि सीएसके की आखिर प्लेइंग 11 कैसी रहने वाली है इस मुकाबले के लिए। सो गाइस विंग की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं फाफ ड्यू प्लेसिस के साथ ऋतुराज गायकवाड, यही दो खिलाड़ी यहाँ पे ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। और गाइस यहाँ पे अगर बात करूं चेन्नई सुपर किंग के ओपनर्स की तो ये अब तक के आईपीएल में जितना भी हो रहा है दिल्ली के बाद ये ओपनिंग जोड़ी अब तक की सबसे बेस्ट जोड़ी दिखती हुई नजर आई है। उसके बाद फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं मिडल ऑर्डर की, देख लेते हैं कि आखिर मिडल ऑर्डर में वो कौन कौन से खिलाड़ी रहने वाले हैं जो कि उतरते हुए नजर आने वाले हैं। सो गाइस यहाँ पे आने वाले हैं मोइन अली, सुरेश रैना, अंबती रायडू, एमएस धोनी और रविंद्र जडेजा। सो गाइस वे खिलाड़ी रहने वाले हैं जो कि यहाँ पे इनके मिडल ऑर्डर में उतरते हुए नजर आएंगे। लेकिन गाइस यहाँ पे सिर्फ मुझे एक डाउट हो रहा है, अंबती रायडू को अभी तक उतना मुकाबले खेलने का मौका नहीं मिला है, ये खेल भी रहे हैं मुकाबले तो उन्हें बल्लेबाजी का ज्यादा मौका नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से हो सकता है कि अंबती रायडू की जगह पे कोई चीज या फिर कोई सोच यहाँ पे चेन्नई रख सकती है, लेकिन मुंबई के सामने ये मुकाबला है तो एफए में अंबती रायडू ही मुझे लग रहा है कि यहाँ पे उतरते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं चार प्रॉपर गेंदबाजों की, देख लेते हैं कि आखिर कौन से वो चार प्रॉपर गेंदबाज है जो कि चेन्नई की तरफ से उतरते हुए नजर आने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे आते हुए नजर आने वाले हैं सैम करन, शार्दुल ठाकुर, हरिशंकर रेड्डी में से कोई एक खिलाड़ी, दीपक चाहर और यहाँ पे लुंगी एनगेडी। तो गाइस ये खिलाड़ी रहने वाले हैं जो कि यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग के चार प्रॉपर गेंदबाज बनने वाले हैं। यहाँ पे मैं लगातार काफी दिनों से चिल्ला चिल्ला के बोलता जा रहा हूँ कि यहाँ पे जरूर से मौका मिलना चाहिए हरिशंकर रेड्डी को, यहाँ पे शार्दुल ठाकुर को आप एक दो मैच बैठा के देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात कर ले हरिशंकर रेड्डी इनके लिए अच्छे काफी डेथ बॉलर हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आईपीएल में कि जितने सभी यंग बॉलर है मोहम्मद सिराज या फिर आवेश खान की बात कर लीजिए, वो खिलाड़ी इस बार के आईपीएल में चार चांद लगा दिए, और इस वजह से चेन्नई भी जरूर से सोच सकती है कि जरूर से हरिशंकर रेड्डी को मौका मिलना चाहिए। हरिशंकर रेड्डी बेस्ट रहने वाले हैं, मैं लगातार बता रहा हूं कि यहाँ पे शार्दुल ठाकुर की जगह हरिशंकर रेड्डी को कम से कम एक मुकाबला यहाँ पे खिला के जरूर दिखाइए कि यहाँ पे वो कैसा प्रदर्शन करते हैं। सो गाइस कुछ इस प्रकार से रहने वाली है चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 जो कि इस मुकाबले में उतरती हुई नजर आने वाली है। सो गाइस ये तो बात हो गई दोनों टीमों के कंफर्म प्लेइंग 11 की। अब हम लोग फाइनली बात करने वाले हैं कि कौन कौन से खिलाड़ियों पे नजर रहने वाली है। सो अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ पे रोहित शर्मा रहने वाले हैं, क्विंटन डिकॉक रहने वाले हैं, कायरन पोलार्ड रहने वाले हैं, यहाँ पे रहने वाले हैं हार्दिक पांड्या रहने वाले हैं, और साथ में एक खिलाड़ी की बात करूँ तो यहाँ पे जसप्रीत बुमराह जो कि प्लेयर वॉच आउट फॉर रहने वाले हैं। उसके बाद फाइनली बात करने वाले हैं यहाँ पे चेन्नई की, तो चेन्नई में रहने वाले हैं फाफ ड्यू प्लेसिस, ऋतुराज गायकवाड़, उसके बाद बात कर लें तो यहाँ पे एमएस धोनी आने वाले हैं, मोइन अली पे काफी ज्यादा निगाहें रहने वाली है, और साथ में रविंद्र जडेजा, ये खिलाड़ी रहने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा चार चांद इस मुकाबले में खिलाड़ी लगाते हुए नजर आने वाले हैं। और गाइस अगर कंपैरिजन की बात करूं तो मैंने कल के वीडियो में बताया था कि आखिर क्या सिचुएशन रहने वाली है, क्या क्या यहाँ पे बात चल रही है,
पूरी तरीके से वीडियो बन के तैयार है, आप जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इस बात करने को कौन सा टीम जीत सकती है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 50-50 चांस है दोनों टीमों के पास जो कि ये मुकाबला जीत सकती है। तो गाइस फाइनली आप बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतने वाली है, आपकी जो हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं, आपको मिलेंगे अगले एनालिसिस।